अब बहुत सारा सब देख देख के हंसते थे मजाक उड़ाते थे फिर हम लोग जैसे कि मेरे आर्थिक स्थिति हम लोग का सही नहीं था तो हम लोग कभी कभी खेत में भी जाते थे खेत में धान काटते थे गेहूँ काट के लाते थे बोझा भी ढोते थे सब कुछ करते थे साथ में पढ़ाई भी करना पड़ता था तो पढ़ाई के लिए तो मम्मी पापा टेंथ तक सही पढ़ाए टेंथ तक कोई रुकावट नहीं है कि गांव में टेंथ तक ही पढ़ाया जाता है जब आगे की पढ़ाई के लिए आगे गए तो मम्मी पापा इलेवेंथ ट्वेल्थ इलेवेंथ सही से गुजर गया ट्वेल्थ में एडमिशन करवाए ट्वेल्थ अच्छे से पास कर गए जब ट्वेल्थ के आगे हम पढ़ा पढ़ने के लिए बोले तो पापा बोले की नहीं नहीं पढ़ाई करना है आगे पढ़ के क्या करोगे इतना ही ठीक है अब आगे भाई सबको पढ़ाएंगे वो पैसा बचेगा तो भाई सबको पढ़ाएंगे तो हम उस टाइम बोले सब कुछ तो ने के लिए करना जिंदगी भर तो भाईने आप ही लोग के साथ रहेंगे हम लोग हम लोग आपके साथ नहीं रहने वाले हैं तो इसलिए हम लोग ऐसे करते कि दूसरे घर जाएगी कुछ भी करे तो चलेगा अब भाई रहेंगे तो आपको कमाएंगे अच्छा नौकरी लग जाएगा ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो आप लोग का देखभाल करेंगे तो ये इसलिए बेटी को ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं। तो फिर ऐसे ही इसी करके हम लोग आगे की पढ़ाई के लिए पापा से जीत जबरदस्ती करके एडमिशन कराया आगे पढ़ाई उढ़ाई की फिर मेरा बहुत मन था कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना जैसे जिस तरह के हम लोग जिस तरह से हम लोग को पढ़ाने पढ़ाई करने में प्रॉब्लम हो उस तरह से मेरे गाँव के बच्चे को से न हो तो फिर हम लोग छोटे छोटे पापा को बोले एक दिन कोचिंग पढ़ाना तो पापा छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग उचिंग पढ़ाने बोले बोले ठीक है पढ़ा सकती हूँ तो गांव के बच्चे को पढ़ाने उठाने फिर एक दिन हमको किसी स्कूल के बारे में पता चला तो हम सोचे कि वहाँ स्कूल जाए स्कूल में जाएंगे बच्चे को पढ़ाएंगे जब हम वहाँ गए इंटरव्यू दिए मैं सिलेक्शन जब हम स्कूल जाने लगे पढ़ाने तो सब गाँव की महिला सब जाती थी तो देखती थी, थी, थी बोलते कैसी लड़की है मुसलमान की लड़की है मुसलमान की लड़की है तो नहीं जा रही है घूंघट रख के कैसे मुंह खोल के जा रही है कभी अपने फ्रेंड सबके साथ आते हैं रास्ते में हंसते बात करते थे सब कैसे दांत फाड़ी तो बहुत सारा लोग तो मारने लगे तो फिर पापा पापा कैसे दिन मना किया कि नहीं नहीं पढ़ना नहीं पढ़ने जाना है आगे नहीं पढ़ाने जाना तो हम बोले कि नहीं हमको तो पढ़ने जाना ही है तो पढ़ाने जाना फिर एक दूसरे दिन हम लोग तो छुपचोरी से चले गए आगे पढ़ाए खुद आज इतना ही हो गया कि खुद से पढ़े भी आगे पढ़ाए भी आगे और जब आकांक्षा सेवा सदन से जुड़े तो और, और सब चीज के लिए हिंसा के बारे में भेदभाव के बारे में पता चला फिर जब आप आगे पढ़ने के लिए पैसा भी बहुत ज्यादा चाहिए जब मैं जब मेरा बी एड का हम तो बी एड दिए तो मेरे पैसे का बहुत ज्यादा जरूरत था पापा बोले उतना पैसा नहीं है कैसे बी एड करोगे तो हम बोले कि नहीं हम तो करेंगे ही करेंगे जब हम एंट्रेंस दिए एंट्रेंस में निकल गया पर प्राइवेट से ही एंट्रेंस निकला जिसमें हमको पचहत्तर हजार एक लाख का जरूरत था पापा बोले की मत दो नेक्स्ट टाइम देना पैसा हो जाएगा तो हम बोले कि नहीं हमको तो एडमिशन देना ही लेना ही तो लेना फिर हम अपने बलबूते पे गए लोन लिए लोन लेकर पैसा फिर अपना एडमिशन करवाए आगे बढ़े अपने आगे शिक्षा के लिए तब तो आज पापा सबको भी लग रहा है कि नहीं है मेरी बेटी में है एग्जाम्पल देते कहीं कहीं की हाँ मेरी बेटी में है आज तक मेरा बेटा ही उतना नहीं किया कि जितना मेरी बेटी कर रही है और फिर वैसे ही इसी तरह हो रहा हर एक की रोक -रोक जाता है फिर शादी के लिए भी आप शादी कर देंगे शादी कर देंगे तो शादी के लिए भी बोला तो पापा बोले की नहीं हम अपने बेटी से पूछे मम्मी बोले क्या पूछना कर देते पापा एक दिन आए पूछे की शादी करने जाए हमसे डायरेक्टली मना कि नहीं मुझे अभी तो नहीं करना मुझे पढ़ना है अभी हम कितना अभी देखे हमको बहुत कुछ सीखना है तो पापा आज भी शादी के लिए फिर पापा से पहले डर भी लगता था कि हाँ अपना मनपसंद शख्स बताने में कि हाँ कि बताए कि ना बताए लेकिन अब हिम्मत आ गया कि नहीं अब कुछ बता देते मान जाते हैं यही सब चुनौती रहा